हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दैट्स नेम इज टेक्निकल रॉक स्टार। सो यहाँ पे जो भाई हमारी HTML की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, एंड यहाँ पे जो हमने काफी सारे टैग्स यहाँ पे सीख लिए हैं। सो आज मैं आपको दोबारा से तीन टैग यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, एंड भाई बहुत अमेजिंग टैग से मजा आ जाएगा आपको। एंड लास्ट वाला जो टैग है वो तो खैर अलग ही टैग है भाई, उसके थ्रू आप जो है बॉस मतलब एक चीज कर पाओगे जिसके आपको बहुत ज्यादा मजा यहाँ पे आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके सो गाइस, यहाँ पे जो अपना पहला टैग है भाई वो है यहाँ पे बी टैग, ठीक है। अब ये बी टैग क्या काम करता है भाई, सपोज यहाँ पे जो है मैंने लिखा हुआ है भाई ये वाला, ठीक है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं इसको जब लाइव सर्वर करता हूँ तो लाइव सर्वर यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है भाई ये बिल्कुल नॉर्मल सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं भाई बी टैग, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बी टैग, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये जो लिखा हुआ है टाइटल जो पूरा, इसको मेरे को लगाना है इस बी टैग के अंदर, ठीक है। बी टैग दोनों टैग्स के बीच में मेरे को इसको लिख देना है। अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। बी का मतलब है यहाँ पे बोल्ड। अब बोल्ड क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देख सकते हो पहले ये बिल्कुल हल्का था दिख रहा था, अब ये डार्क हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। तो बी टैग के थ्रू आप जो उसको डार्क कर सकते हो, बोल्ड यहाँ पे कर पाओगे जो भी चीज आपने लिखी है। सो चलते हैं भाई अपने सेकंड टैग पे, ये अपना पहला टैग था, अब चलते हैं यहाँ पे सेकंड टैग पे। तो सेकंड टैग यहाँ पे आई टैग, आई का मतलब है यहाँ पे इटैलिक टैग, ठीक है। अब यहाँ पे अब सपोज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बी की जगह आई, ठीक है। अब यहाँ पे भी मेरे को आई लगा देनी है बस। अब ये क्या करेगा भाई, इसका भी आपको देख सकते हो, तो यहाँ पे जो है जो बिल्कुल सीधा लिखा हुआ था वो यहाँ पे अलग हो चुका है, बिल्कुल इटैलिक यहाँ पे जो हो चुका है, बिल्कुल टेढ़े से यहाँ पे जो अक्षर हो चुके हैं। तो आई टैग के थ्रू आप जो यहाँ पे कोई भी आपने लिखा हुआ है कुछ भी टाइटल वगैरह, तो आप उसको थोड़ा टेढ़ा सीधा यहाँ पे कर पाओगे, थोड़े अलग सी लुक में उसको दे पाओगे। तो आई टैग का यूज यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे दो टैग हमारे हो चुके हैं, बी टैग और आई टैग, बी मतलब बोल्ड और आई मतलब इटैलिक। तो यहाँ पे जो दो टैग यहाँ पे हमारे हो चुके हैं। अब चलते हैं भाई अपने लास्ट थ्री तीसरे टैग पे, जो कि बेस्ट और इम्पोर्टेंट टैग है। तो यहाँ पे तीसरा टैग है भाई हमारा बटन टैग, ठीक है। अब बटन टैग क्या करता है भाई, सपोज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पहले वो टैग, तो यहाँ पे जो है बटन टैग मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको करता हूँ, अब चलते हैं, इसको सेव कर दिया मैंने। अब चलते हैं भाई सीधे यहाँ पे क्रोम पे। तो यहाँ पे एक सब्सक्राइब नेम का बटन आ चुका है भाई। जब मैं अगर इसमें अपनी लिंक ऐड कर दूंगा ए टैग के थ्रू, जो मैंने आपको बताया था लिंक ऐड करने के लिए, तो लिंक अगर आप उसमें ऐड कर दोगे तो यहाँ पे जो है सीधे आप अपने सब्सक्राइब के क्लिक करोगे तो आप सीधे उस चैनल पे पहुंच जाओगे जिसकी आपने लिंक ऐड की है। बटन टैग के थ्रू जो आप अपनी वेबसाइट में बटन बना पाओगे आसानी से। तो मैं यहाँ पे लिंक भी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं, और यहाँ पे जो है मैं अपने चैनल का एक लिंक यहाँ पे ले लेता हूँ भाई। यहाँ पे जो मैं गेमिंग चैनल का लिंक जो यहाँ से ले लेता हूँ भाई, ये रहा अपना लिंक। ओके मैं इसको कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे जो है टैग में हमको, आपको पता ही है लिंक ऐड करने के लिए हमको यहाँ पे ए टैग लगाना पड़ता है, और ए टैग के बाद हमको यहाँ पे अपनी लिंक लगानी पड़ती है। और अब जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, वो सब्सक्राइब मेरे को इधर ना लिख के मेरे को उसको लिखना है भाई इन दोनों टैग्स के भीतर, ए टैग के अंदर। तो यहाँ पे जो मैं उसको लिख देता हूँ, एंड इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं क्रोम पे जाता हूँ तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन तो है, बट अगर मैं सब्सक्राइब पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भाई मेरा चैनल ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे जो मेरा चैनल अपने आप स्टार्ट हो चुका है भाई, ये देख सकते हो। तो इस तरह आप जो अपने यहाँ पे कोई बटन बना सकते हो, और बटन में जो आप अपनी लिंक ऐड कर सकते हो, और उसके थ्रू आप सीधे उस जगह पहुंच जाओगे जैसे ही कोई बटन पे क्लिक करेगा। तो भाई तीसरा टैग यहाँ पे ये था, इंपॉर्टेंट टैग और मजेदार टैग बटन टैग के थ्रू आप बटन बना पाओगे और काफी ज्यादा मजा यहाँ पे अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। सो आज की वीडियो में यही तीन टैग थे भाई, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तीनों टैग मजेदार लगे होंगे। एंड आपको बस ये इन सब टैग्स की प्रैक्टिस करते जाना है, और इनको जो है अपनी वेबसाइट में अप्लाई करते जाना है। धीरे धीरे आप अप्लाई करते रहो, फिर एंड में जो हमारी HTML हो जाएगी तो भाई हम यहाँ पे सीधे वेबसाइट भी बनाने वाले हैं, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो आज की वीडियो में सिर्फ ये तीन टैग ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।